जैसा कि आप जानते ही हैं, दो दिन बाद टीवी के फेमस शो बिग बॉस का फिनाले है, जिसमें शालीन भनोट, शिव ठाकरे, एमसी स्टेन, अर्चना गौतम और प्रियांक चाहर चौधरी टॉप 5 में अपनी जगह बना चुके हैं। इनमें से बिग बॉस 16 का विनर कौन होगा, ये जानने के लिए हर कोई बेकरार है। हालांकि फिनाले से पहले ही एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें प्रियंका चौधरी बिग बॉस की ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सच में प्रियंका बिग बॉस की विनर बन गई है। दरअसल प्रियंका चौधरी इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक है, जहां पूरे इस सीजन में प्रियंका घर के हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती नजर आई हैं। यहां तक कि वीकेंड का वार पर उन्हें सलमान खान से काफी डांट भी सुननी पड़ी, पर फिर भी उन्होंने अपनी बुलंद आवाज को दबने नहीं दिया। वहीं अब फिनाले से पहले प्रियंका चौधरी का एक फोटो शेयर किया जा रहा है। इस वायरल फोटो में प्रियंका सोफे पर बैठी दिखाई दे रही है और उनके हाथों में बिग बॉस 16 की ट्रॉफी भी नजर आ रही है। बता दें कि प्रियंका की ये फोटो ट्विटर पर अर्शी खान ने शेयर की है, जो कि बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। जहां अर्शी खान ने प्रियंका की फोटो शेयर करते हुए उन्हें इस सीजन का विनर बताया है। हालांकि अब अर्शी खान की ये बात कितनी सच होती है वो तो 12 फरवरी को पता ही चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका सच में ट्रॉफी की हकदार है? तो चलिए जानते हैं। बता दें कि फेमस टीवी शो उडारिया में लीड रोल प्ले करने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने को एक्टर और दोस्त अंकित गुप्ता के साथ बिग बॉस के हाउस में एंट्री ली थी, जहां अंकित गुप्ता बिग बॉस के घर में उनका बड़ा सपोर्ट रहे। अंकित के बाहर जाने के बाद ऐसा लगा कि प्रियंका का गेम वीक पड़ जाएगा, पर प्रियंका हर मूवमेंट पर साबित करती रही कि वो अकेली सब पर भारी है। वहीं दूसरी ओर बिग बॉस में प्रियंका ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फराह खान हो या मीका सिंह, हर किसी ने प्रियंका की खूबसूरती की तारीफ की है। साथ ही सलमान खान ने भी प्रियंका को फुल हीरोइन मटेरियल बताया। यहां तक कि शो के होस्ट सलमान खान ने ये भी कहा कि बिग बॉस से निकलने के बाद उन्होंने प्रियंका के लिए कुछ प्लान किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अधिकतर सेलेब्स प्रियंका को ही विनर बता रहे हैं। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।